मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द डाउट नोट। स्वागत है आप सभी का आपके साइंस के फर्स्ट मैराथन में, जो है आपका टर्म टू का चैप्टर नंबर वन इलेक्ट्रिसिटी। सो बच्चे, हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के और सारे चैप्टर्स का मैराथन करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है आपके टर्म टू के सेशन बिल्कुल, एग्जाम बिल्कुल पास ही आने वाले हैं। सो हम सब बच्चों को एक साथ मिलके सारा रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही थोड़े टाइम में पूरा चैप्टर इन वन शॉट पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमको, आप मेरी क्लासेस में भी मुझसे लाइव डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, लोग स्टार्ट करें अपना मैराथन सेशन, चलिए शुरू करते हैं। सो हमारे मैराथन सेशन में हम आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आज स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमारी चीज है इलेक्ट्रिसिटी आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी आखिर होता क्या है, सबको बताए इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत तो नहीं होगी अब कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आप जिस फोन पे, मेरी मोबाइल पे, जिस पे क्लास देख रहे हो, यूट्यूब पे या लैपटॉप पे मेरी क्लास देख रहे हो, उसके लिए भी बेसिक चीज क्या चाहिए, घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। गर्मी में नहीं बैठना तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जी, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, रिमोट चाहिए, सब चाहिए। वो सब चीजों का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। और बच्चा, आज जो दुनिया में आपका जो मोबाइल है वो और छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। पहले कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, आजकल इतना थिन सा लैपटॉप बन गया। क्यों बन गया है? वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की वजह से बना है, जो कि सेमीकंडक्टिंग टेक्नोलॉजी है। उसकी शुरुआत भी इसी इलेक्ट्रिसिटी बेसिक से होती है। ठीक है, करते हैं हम आज ये चैप्टर पूरा इन वन गो करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चन क्लियर भी होते रहें और आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करें। ठीक है बच्चा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है हमारा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलेक्ट एंड सिटी। इलेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट का मतलब होता है चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोल दूं मैं, स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, फिर बच्चे इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ चार्जेस। तो पूरे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसी तरीके से बच्चा करंट, वाटर करंट सुना होगा आपने, सुना होगा ना, वाटर करंट का मतलब क्या होता है कि वाटर फ्लो कर रहा है किसी चीज में। इसी तरीके से अब यहां पर करंट की बात आई, तो मतलब रेस्ट पे नहीं है को इलेक्ट्रिसिटी, वो फ्लो कर रही है। तो क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन कह दूं मैं, या मैं कह दूं कि फ्लो ऑफ चार्जेस को स्टडी करने का। ठीक है बच्चे लोग, अब बेसिक बेसिक आगे बढ़ने से पहले एक मोटा मोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, आखिर ये स्टैटिक और करंट में क्या होता है अंतर, क्या मतलब होता है कि चार्जेस रेस्ट पे हैं या चार्जेस मोशन में है। अब बच्चे पहला एग्जांपल आप देखोगे, जब आप अपने घर में, अगर आपके पास ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत बार कराया होगा, ये इट इज वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, कि अगर आप कॉम को बालों में कॉम करते हो और उसको चार्ज करते हो, या बालों में रब करते हो और उसके बाद ऐसे छोटे 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 पेपर्स के पास लाओगे, तो कॉम क्या करेगी, उन पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेगी। किस फिनोमिना की वजह से कर लेगी, क्योंकि जब हमने रब किया कॉम को, तो हमारे पास क्या हो गया, एक चार्ज डेवलप हो गया कॉम पे। एंड उसी तरीके से हमारे पेपर के पास भी कोई चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चे की एग्जांपल देखो, हमने क्या किया, बलून को एक क्लॉथ से, सिल्क के क्लॉथ से रब कर लिया, या बलून को भी मैंने अपने बालों पे ही रब कर लिया। ठीक है, क्या हुआ, बलून का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट मेरा बलून का है, ये चार्ज हो गया, मान लो मैं कह रही हूं पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर जब हम इस बलून को पानी के पास लाए, तो पानी देखो किस तरीके से बेंड हो गया, क्यों हो गया ये इस तरीके से बेंड, टूटी में से तो सीधा जाता है ना पानी, बेंड तो नहीं होता। इसी वजह से हुआ बच्चे, ये पानी बेंड इसीलिए हुआ क्योंकि इस पे एक चार्ज डेवलप हो गया था, और पानी के पास भी कोई ना कोई चार्ज था, जिसकी वजह से उसने अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया,
नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया पानी में। तो ये थी स्टैटिक चार्जेस की, स्टैटिक चार्जेस की ये बात थी। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट अगर हम किसी और चीज के साथ करें, मान लो मैं कॉम की जगह एक प्लास्टिक की कॉम की जगह एक स्टील की कॉम ले लूं, या बिल्कुल ये तो स्टील की कॉम तो आप कहोगे मैम आती ही नहीं है, अगर मैं कहूं कि आप स्केल रब करके अट्रैक्ट करते हो प्लास्टिक का तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन यही अगर मैं स्टील का स्केल ले लूं तो क्या अट्रैक्ट होंगे वो पीसेस? नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा जो स्टील का स्केल है वो है हमारे पास, क्या है हमारे पास स्टील का स्केल? स्टील का स्केल हमारे पास एक कंडक्टर है, और एक कंडक्टर है, वाइल ये जो प्लास्टिक की चीजें हैं ये एक इंसुलेटर है। सो बच्चों, इंसुलेटर की एक जो खासियत ये होती है कि वो चार्ज को स्टोर कर लेती है, अपने पास से जाने नहीं देती। यही बोलते हैं ना कि कंडक्टर कौन से होते हैं? जो फ्लो करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और इंसुलेटर जो फ्लो नहीं करा सकते। इसी तरीके से बच्चे, जो ये मेरे पास प्लास्टिक की कॉम है ये तो फ्लो नहीं कराएगी, ये एक्यूमुलेट कर देगी। एक्यूमुलेट का क्या मतलब है? एक्यूमुलेट कर देगी मतलब इकट्ठा कर देगी चार्ज को। तो उसके लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? इंसुलेटर्स की। किसकी जरूरत होगी? इंसुलेटर्स की। और सेम तरीके से बच्चे, जब हम मोशन की बात करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन की बात करते हैं, तो हम कंडक्टर की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि सिर्फ कंडक्टर ही मूव करा सकते हैं अपने पास से चार्ज, और कुछ मूव नहीं करा सकता। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, कुछ डिस्कशन इसके बारे में करेंगे कि मोशन में जब हमारे करंट है या हमारा मोशन में अगर हमारे चार्जेस हैं तब किस तरीके से हम डील करते हैं। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th क्लास में। ठीक है बच्चे लोग, करें? चलिए ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से। हम बहुत डीप में हर एक चीज को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम बाकी सारे सेशंस में इसको डीप में पढ़ चुके हैं। हमें बस अब रिवाइज करना है, पेपर के लिए मैराथन है हमारा ये। ठीक है, हमें एकदम अच्छे से क्वेश्चंस के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को करना है। और आपने क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है मैम ये डाउट है मुझे। ठीक है, आइए। तो चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? चार्जेस होते हैं बच्चों दो टाइप के, सबको पता है। पॉजिटिव चार्ज, जिसे इस तरीके से भी मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और एक नेगेटिव चार्ज, जिसे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। पॉजिटिव चार्ज को और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन। या मैं इसकी जगह प्रोटॉन लिख दूं, या मैं इसकी जगह इलेक्ट्रॉन लिख दूं, चलेगा। अब कूलम है इसकी एसआई यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम, COULOMB। और कैपिटल सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल सी रिप्रेजेंट करता है कूलम को। किस तरीके से लिखेंगे? 10 कूलम चार्ज। ठीक है ये बात। उसके बाद एग्जैक्टली कितना एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये तो मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है। लेकिन कितना कूलम्ब होता है? कितना कूलम्ब होता है? इसकी वैल्यू हम डिनोट करते हैं ई से, या माइनस ई से। प्रोटोन के लिए प्लस ई और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई। ठीक है, क्या वैल्यू होती है? 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। और यही सेम होती है इलेक्ट्रॉन के पास, बट विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या होती है वैल्यू? 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। याद करने के लिए मैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम भी याद कर सकती हूँ। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट। क्या है, किसकी वैल्यू है ये? ई की। किसकी वैल्यू है? ई की। ठीक है बच्चा, ये हो गया चार्जेस के बारे में। अब कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब है? अगर मेरे पास ये कोई भी सिस्टम है, इसमें मेरे पास क्या पड़े हैं? इसमें मेरे पास 6-7 चार्जेस पड़े हैं, या मैं मान लेती हूँ 4 चार्जेस पड़े, एक प्लस क्यू, एक माइनस टू क्यू, एक माइनस थ्री क्यू और एक प्लस टू क्यू। चलो, अब एडिटिव का मतलब क्या है कि अगर मुझे इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना होगा, क्या निकालना होगा?
टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली इन सब चीजों को एड कर दूंगी. कैसे? प्लस क्यू माइनस टू क्यू, इनके बीच में प्लस का साइन लगा सकती हूं, प्लस माइनस थ्री क्यू या फिर प्लस टू क्यू. यही टोटल चार्ज है, यही चार्ज है, सिंपल ऐड कर दिया है मैंने, ये कट गया. तो हमारे पास आंसर क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम माइनस टू क्यू. यही होती है एडिटिव, यही होता है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तो रिपीट है ना, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड इन नेचर. अच्छा, अभी क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, कि हमारे जो चार्जेस हैं वो डिस्क्रीट हैं. डिस्क्रीट का क्या मतलब है, या तो हमारे पास चार्जेस होंगे 0e, 1e, 2e, 3e एंड सो ऑन. मतलब कि हमारे जो चार्ज होगा q होगा वो e का इंटीजर मल्टीपल होगा. क्या होगा? e का इंटीजर मल्टीपल, मतलब होल नंबर होगा. इसका मतलब है क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 0.5e, 0.6e, 1.5e या 2.5e. इस तरीके के जो चार्ज होते हैं ना, जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं या फिर जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती हैं, ये नहीं अलाउड है. अलाउड क्या है, सिर्फ इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए, यानी कि 1e, 2e, 3e, 4e, 5e. ठीक है, ये बात क्लियर है. उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहे हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब सेम तरीके के चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर धक्का देंगे. ठीक है, और या फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो या नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो ये थी चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज. आगे देख लेते हैं. अब आगे है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो है कि हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, जिस तरीके से ये वाटर करंट है, वाटर करंट है, किसके फ्लो ऑफ वाटर को वाटर करंट कहते हैं, उसी तरीके से फ्लो ऑफ चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. पर कुछ ना, थोड़ा सा कुछ अधूरा है इस डेफिनेशन में. क्या है, सिर्फ हम सिर्फ उसको नहीं कहते हैं, ये चीज सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रिक चार्जेस को नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कहते हैं. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. क्या है इसकी अच्छी सी डेफिनेशन, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर. ठीक है, ये रेट का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ वेलोसिटी, ये तो सुना होगा ना, रेट ऑफ वेलोसिटी. इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी के डिवाइडेड में टाइम लगा दो, इसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. इसी तरीके से रेट ऑफ फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज इन, मतलब इन वन सेकेंड कह दो या पर यूनिट टाइम कह दो. ठीक है, क्या है जी, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जो हमारे पास करंट है उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन नहीं देते हैं हम. ठीक है, डायरेक्शन नहीं देते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट चीज है, इट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. इसको फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है किसी भी कंडक्टर से. ये क्या बात है मैम, आगे समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तब समझेंगे. ठीक है, ये चीज हो गई कुछ थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बारे में. यही बच्चे, उससे पहले, अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो. क्या है क्वेश्चन,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कुलम्ब ऑफ चार्जेस. जल्दी से 2 मिनट दे रही हूं मैं आपको, आप जल्दी से इसको क्वेश्चन को पढ़िए और ढंग से आंसर कीजिए. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी, हाँ जी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं किसमें, वन कूलम्ब ऑफ चार्ज में. ठीक है, हमें अब एक प्रॉपर्टी पता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई. ठीक है, ये कह रहा है एक कूलम्ब इलेक्ट्रॉन में कितने क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, मैं चार्ज की जगह क्या रख देती हूँ, 1 कूलम्ब रख देती हूँ, और ई की वैल्यू हमें पता है, ये है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब. तो मैं इस फॉर्मूला में ये सारी चीज़ें पुट करके क्या मैं अपनी एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ. एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है. सो मेरी एन की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन ई. क्यू क्या है, 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹. करो सॉल्व इसको, क्या आंसर आएगा, 10 ÷ 16 × 10⁻¹⁹. ठीक है, ठीक है, ये बात, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16. उसके बाद 0.625 × 10⁻¹⁹. क्या आ गया आंसर, 6.25 में है, तो आंसर आ गया 6.25 × 10⁻¹⁸. ये होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आंसर क्या आ गया, सी, क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. ठीक है, क्लियर है ये बात. चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आखिर किसी मेटल वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करती है. तो बच्चे हमारे पास दो चीजें हैं, मैंने एक लिया है नॉन मेटल और एक लिया है मेटल. अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉन मेटल है उनका साइज तो कंपैरेटिवली छोटा होता है, लेकिन जो मेटल होता है उनका साइज बड़ा होता है. इसको मैं अपनी बाकी सारी क्लासेस में बड़े प्यारे से एग्जांपल से समझाती हूँ, जिससे बच्चे कभी नहीं भूलते हैं. उसका ये पॉइंट है कि आप इसको मान लो कि हमारे घर में एक फैमिली, मान लो इन एटम्स को एक एक फैमिली मान लो. ये तो छोटी फैमिली है, इनका बच्चा इनके पास ही रहता है. तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस इनके, ये पेरेंट्स हैं और ये क्या है, बच्चा है. ये घर के पास ही रहता है, मतलब घर में ही रहता है. तो बच्चे पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, या पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा डांट सुनने वाले रहते हैं, या उनके कंट्रोल में रहते हैं, मैं कहूँ. वहीं जब हमारे जो पेरेंट्स से बच्चे इतनी दूर हो जाते हैं, तो थोड़ा जो होता है हमारे पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चों पर कम हो जाता है ना. क्या बोलता है कि बच्चे कि ये, मैं कहती हूँ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हॉस्टल में रहता है, ठीक है, और पेरेंट्स से दूर है. अब जैसे ये बच्चा हॉस्टल में गया, इसको थोड़ी बहुत छूट मिली, इसने क्या करा, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया या इधर उधर जाना शुरू कर दिया. जैसे ही दोस्त ने थोड़ा सा कहा, चल चल बेटा आज घूमने चलते हैं, आज शॉपिंग करने चलते हैं, या चला आ जाना मूवी देखने चलते हैं, तो ये जो हॉस्टल वाला बच्चा है ये तो भाग जाएगा. इसको थोड़ी सी एनर्जी दी इसके दोस्तों ने, ये तो भाग जाएगा. लेकिन जो घर पे बच्चा रह रहा है वो नहीं भाग पाएगा. क्यों नहीं भाग पाएगा? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कंट्रोल में रखेंगे, वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहेगा. इसी तरीके से जो हॉस्टल वाला है वो दूर रहता है, तो इसका कंट्रोल नहीं रहता है न्यूक्लियस का. मैं और इस तरीके से कह दूं कि ये जो एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से दूर है, मतलब कि अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से दूर है, तो ये फ्री हो जाता है. काइंड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देंगे हम इसको. क्या बोल देंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी एनर्जी मिली ये भाग जाएगा. कहाँ? अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपने वायर में किसी और के साथ घूमने. मतलब
किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब किसी भी कंडक्टर को एक गुड कंडक्टर बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इसको गुड कंडक्टर बनना है, क्योंकि मेटल जो होते हैं वही गुड कंडक्टिविटी शो करते हैं, इसीलिए इनका साइज बड़ा होता है, इसीलिए इनके पास क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो इसको गुड कंडक्टर बनाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे गुड कंडक्टर बनाते हैं, इस तरीके से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फिर रैंडम मोशन में इस वायर में होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर जाते हैं, वायर में मूव करने लग जाते हैं, जिससे कि उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये देखो अब हमारे पास क्या है, वायर में ये जो था, ये मेरे पास मान लो पांच कॉपर एटम है। ये एटम थोड़ा सा फ्री है। ये कैसे है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। इसको क्या करा, इस बैटरी ने थोड़ी सी पावर दी, क्या करा, इस वाली, ये जो पॉजिटिव साइन ऑफ द बैटरी है और ये नेगेटिव साइन ऑफ द बैटरी है, इस देखो, अब शुरू से देखो इस GIF को, इस बैटरी ने थोड़ी सी पावर दी, इससे क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये कह रहे हैं मैं पॉजिटिव बन गया, अब मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो साइड वाला कहेगा कि तू मेरे से ले ले, क्योंकि मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिगड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो घूम सकता है। अब फिर ये कहेगा मेरे से ले ले, ये कहेगा ओ आई नीड वन बिकॉज नाउ आई वांट एन इलेक्ट्रॉन, सो ये कह रहा है पास मी एन इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एंड वाला है ये तो ऐसे ही रह गया, इसने क्या करा, बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ठीक है। इसने इसी तरीके से क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये कॉपर वायर में, जिसमें हमने पांच एटम दिखाए हैं और एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया है, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो और इस वायर में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन वायर में क्या करता है, मूव करता है, और इसी तरीके से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इधर से पॉजिटिव ले लेगा, ये इधर ले लेगा, ये इस एटम से ले लेगा, ये इस एटम से ले लेगा, ये इस एटम से ले लेगा, और ये वाला क्या करेगा, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब नीचे वाली GIF देखो, इसमें देखो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, लेकिन फिर इसके साथ साथ इसमें कर दिया ट्रांसफर, फिर इसके साथ साथ इसमें जंप कर गया, इसमें जंप कर गया, इसमें जंप कर गया। इसी तरीके से मिलियंस ऑफ एटम होते हैं हमारी कॉपर वायर के अंदर, जिसमें कि वो क्या करते हैं, इसी तरीके से मूव करते हैं या कंडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो चलो अब क्या है हमारे पास, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, हमें पता है, मैंने आपको यहां बताया, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकला, नेगेटिव से, सॉरी मतलब पॉजिटिव की तरफ गया, ये देखो पॉजिटिव की तरफ गया और नेगेटिव से निकला, नेगेटिव टू पॉजिटिव है हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो इस तरीके से दिखाई हुई है, ये है इलेक्ट्रॉन फ्लो। जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं ना, वो उल्टी लेते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। क्या है हमारे पास, ये कन्वेंशनल फ्लो की डायरेक्शन देख रहे हो, ये डायरेक्शन है कन्वेंशनल फ्लो की। ऐसा क्यों है मैम, जो हमारी करंट है उसकी जो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ऐसा क्यों, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं, तो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं तो उसी को क्यों नहीं करंट की वो ले लेते हैं डायरेक्शन। सो बच्चे ये इसीलिए है क्योंकि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट थी वो आज से कई हजारों पहले डिसाइड हो चुकी थी, ये प्री डिसाइड हो गई थी, और ये जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है ये अभी कुछ ही सालों पहले आया है, लेकिन जो करंट की डेफिनेशन थी, जो करंट की बात थी, ये कई हजारों सालों पहले डिसाइड हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी, सबने बोला कि हमेशा हाई लेवल से चीज लो लेवल की तरफ जाती है,
किस तरीके से हमेशा जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है उससे लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, और एयर भी इस तरीके से जाती है हाई प्रेशर डिफरेंस से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो इसी वजह से जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किससे लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव मतलब मोर और नेगेटिव मतलब लेस। तो इसीलिए इसी कन्वेंशन की वजह से हमने क्या कर लिया, ये डिसाइड कर लिया। अब ये इतने सालों से बात डिसाइडेड है, मतलब फाइनल है ये बात। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया तो जो हमारे साइंटिस्ट था उन्होंने चेंज करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इससे हमारा पूरा स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो हमने किया होता है वो सारा बिगड़ जाता है। ठीक है, सिर्फ यही जो है यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इलेक्ट्रिक करंट की अब डेफिनेशन हमने बताई थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सो इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज करंट। ठीक है जी। और जहां पर हमारा आई करंट है, क्यू हमारे पास चार्ज है, और टी कितना है, टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग। आई क्या हो गया, क्यू बाय टी, पहला फॉर्मूला याद कर लो, रट लो। ठीक है, रटना तो क्या ही है, ये तो बहुत इजी है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, अब हमारी चार्ज की सिंबल होता है आई, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, AMPERE। और अगर अब हम एक एम्पियर को डिफाइन करना चाहे क्या करेंगे, किसी भी SI यूनिट को डिफाइन करना है बस फॉर्मूला में उसकी यूनिट पुट कर दो, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, मतलब 1 लगा के वो फॉर्मूला में यूनिट्स पुट कर दो। तो 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करा इसमें, यही लिखा है कि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो 1 सेकेंड में, उसी को एम्पियर, 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, और ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो करंट को नापते किससे हैं, एमीटर से, और हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है हमारा एमीटर। किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में। किस तरीके से, इसका एक हाथ तो इधर, एक हाथ किसी बैटरी से, इस तरीके से सीरीज में ये कनेक्ट होता है एमीटर, इसी से ही करंट नापते हैं। और ये है हमारे पास एमीटर का जी, इस तरीके से दिखता है ये जीरो है, जितनी जितनी वैल्यू करंट की होती है वहां पर ये सुई हिल जाती है और हमें वैल्यू बता देती है कि कितना मिली एम्पियर है, कितना एम्पियर है एंड ऑल। और किस चीज से करंट को नाप सकते हैं, और किससे नाप सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से नाप सकते हैं। लेकिन अब फर्क क्या है एमीटर और गैल्वेनोमीटर में, जो एमीटर होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज करंट को नापने के लिए आता है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये थोड़े स्मॉलर करंट्स, या मैं जिसको कह दूं सेंसिटिव करंट्स को नापने के लिए आता है, मतलब थोड़े स्मॉल, मतलब स्मॉल वैल्यूज भी नाप देता है और डायरेक्शन भी बता देता है। कैसे, हमने एमीटर देखा जीरो ये था, उसके बाद इसी डायरेक्शन में सारी की सारी वैल्यूज थी, लेकिन हमारे गैल्वेनोमीटर में देख रहे हो ये है जीरो, बीच में है जीरो। अब करंट अगर सर्किट में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मान लो ये सर्किट है और ये गैल्वेनोमीटर लग रहा है, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा देगा, अगर करंट इस तरफ फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा देगा। मतलब गैल्वेनोमीटर एक तो स्मॉल करंट्स को नापने के लिए भी काम आता है और डायरेक्शन ऑफ करंट को बताने के लिए भी काम आता है। ठीक है, हो गई ये बात, अब एक क्वेश्चन करें। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से पढ़ के बताओ क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। बट इसमें एक चीज ध्यान देनी है
कि हमारे पास जो करंट का टाइम है वो मिनट्स में दिया हुआ है, लेकिन हम जो एम्पियर डिफाइन करते हैं, जो ये दिया हुआ है, वो सेकंड्स के लिए करते हैं. तो पहले 20 मिनट्स को सेकंड्स में बदल लेते हैं. ठीक है, ये टाइम है और ये गिवन है. गिवन लिख लो सबसे पहले, ऊपर टाइम लिख लिया, 20 × 60 कितना हो गया, ये 1200 सेकंड्स, ये हो गया टाइम. उसके बाद और क्या गिवन है, करंट गिवन है, कितना गिवन है, 0.25 एम्पियर. निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है. सिंपल, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला लगा के Q निकल सकता है I इंटू टी. तो I कितना है, 0.25 एम्पियर इंटू टाइम है 1200. बताओ कितना आएगा आंसर, कितना आएगा. कितना आएगा, कर लिया मैंने तो 2 सेकंड में साइड में मल्टीप्लाई कर ली, अगर हार्ड लग रही है तो. नहीं तो कई लोग तो भाई मुंह से भी बता देते हैं. कितना आएगा आंसर, 300 कूलम. कितना आ गया, 300 कूलम. ए आंसर करेक्ट हो गया. ठीक है, ये बात समझ आ गई. आगे बढ़े, चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज, किस चिड़िया का नाम है, सुना तो हो गई. पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक तरीके का हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी वायर में फ्लो करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर में फ्लो करते हैं. ठीक है, अब इसकी एनालॉजी देख लो किस तरीके से है, कि मैंने क्या लिया है, 2 टैंक लिए हैं, वाटर टैंक लिए हैं. केस वन में क्या लिया है, कि मैंने दोनों को एकदम सेम लेवल पे रखा है. तो जब 2 टैंक सेम लेवल पे होंगे, तो हमारा, जब मैं इनको पाइप से जोड़ दूंगी, तो क्या कोई वाटर आएगा, नो वाटर, कोई भी पानी नहीं आएगा. ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो दोनों वाटर के लेवल हैं वो बिल्कुल सेम लेवल है, बिल्कुल एक सिंगल लेवल है. अब आपको पता है, जब आपको अपने घर में पानी लाना होता है छत से, तो आप, मतलब छत से नहीं, किसी भी टंकी से आप स्टोर करते हो अपना पानी, तो किस तरीके से स्टोर करते हो, आप उसी तरीके से स्टोर करते हो कि पानी की जो टंकी है वो या तो सेकंड फ्लोर पे रखोगे या थर्ड फ्लोर पे रखोगे, ताकि जो हमारा पानी है वो इजीली किसी भी एक वाटर लेवल के डिफरेंस के साथ नीचे आ जाए, हमारे किसी भी ग्राउंड फ्लोर पर बहुत इजीली आ जाए. इसीलिए अगर तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो टंकी सेकंड पे रखते हो, सेकंड पे रखते हो तो थर्ड रखते हो, हमेशा एक हाइट डिफरेंस रखते हो. उसी तरीके से किसी टैंक में से, एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी ले जाने के लिए हमें एक वाटर लेवल डिफरेंस चाहिए होता है, तभी वो ट्रांसफर करेगा. जिस तरीके से अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैंने एक टंकी में तो ज़्यादा पानी भर दिया है सेकेंड केस में, और एक टंकी में कम पानी भर दिया है, तो इस केस में अगर मैं इन दोनों टंकियों को किसी पाइप से जोड़ूंगी तो पानी आएगा. उसी तरीके से इसको इस तरीके से कंसिडर कर लो कि एक टैंक तो ये ले लो, 2 टैंक ले लो, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भर दो. अब दोनों में मैं सेम लेवल के इलेक्ट्रॉन्स भर दूं, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे. एक और केस लेती हूँ, एक और केस क्या लूंगी मैं, एक साइड में तो क्या करती हूँ, इलेक्ट्रॉन को भर देती हूँ अच्छे से. क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से भर देती हूँ. मतलब एक टंकी ये हो गई, इसमें तो इलेक्ट्रॉन फुल है, इनको जोड़ रही हूँ मैं दूसरी टंकी से जिसमें थोड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब अगर मैं इन दोनों को एक वायर से जोड़ दूंगी तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे. इसी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं ये किस में होते हैं, बैटरी में होते हैं. जब तक हमारी बैटरी में ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब कि ये डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, हमारे जो वायर में से इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर नहीं करेंगे. मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हमें
पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, जिस तरीके से इसमें हमें हमें क्या होता है, पानी का डिफरेंस की जरूरत होती है, ठीक है। और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब किसी भी एक चार्ज पे वर्क डन करो और पर यूनिट चार्ज करो, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको समझते हैं क्या चीज है। इसके लिए क्या है कि हर एक चार्ज पे बैटरी कितना वर्क कर रही है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर आए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। क्या करा हमारे पॉजिटिव ने, हमारे पॉजिटिव ने इसको अपनी तरफ खींचा, किसको खींचा, एक इलेक्ट्रॉन को खींचा। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थक हार के अंदर आ रहे हैं, बैटरी क्या कर रही है, इसको चार्ज कर रही है। चार्ज यानी कि या ऐसे नहीं कहते कि इसको चार्ज अप कर दो, या इसको ऐसा करो एक एनर्जी ड्रिंक पिला दो, एक एनर्जी ड्रिंक या रेडबुल पिला दो, ठीक है। इसको क्या करती है, वो एनर्जी ड्रिंक पिलाती है और फिर ये नेगेटिव उसको बाहर की तरफ धक्का दे देता है कि जा तू पूरी वायर में घूम के आ, ठीक है। मतलब कि जितना ये बैटरी इस पे वर्क कर रही है एक चार्ज पे, उसी को हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। इसकी ऐसा ही इसकी क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। और इसकी ऐसा ही यूनिट क्या है, इसकी ऐसा ही यूनिट है वोल्ट। क्या है इसकी ऐसा ही यूनिट, वोल्ट, और सिंबल है वी। तो अब हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, मैं सिर्फ इसके फॉर्मूला में 1 1 पुट कर रही हूँ और सारी की सारी क्या पुट कर रही हूँ, यूनिट्स। 1 वोल्ट वर्क की कितनी होती है, कितनी होती है यूनिट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ वर्क की कितनी यूनिट होती है। वर्क की होती है जूल, तो मैं इसको भी 1 जूल कर दूं, और डिवाइडेड बाय 1 कूलम। मतलब 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए द 1 जूल ऑफ अमाउंट व्हेन स्पेंड ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट ऑफ वोल्टेज डिफरेंस। क्लियर है ये बात, बहुत आसान था ये तो, ठीक है। और ये वोल्ट मीटर से नापा जाता है, करंट एमीटर से, ये वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर किस में जुड़ा होता है, पैरेलल में, ठीक है। करें नेक्स्ट चीज, हो गई ये बात क्लियर, सब कुछ वोल्टेज डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक में मैंने रेजिस्टेंस जोड़ा है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, मैं सिर्फ एक इतनी सी बात कह रही हूं, अभी हमने एक है हमारे पास सर्किट, एक बैटरी कनेक्ट करी है, ठीक है, और इसमें करंट जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं वोल्टेज जीरो है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस जीरो है, तो जब मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड्स में बताया अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा सर्किट में। ये जो बैटरी इसे रेडबुल पिला रही थी, इसमें अगर ये थक गया और बैटरी ने कुछ रेडबुल पिलाया नहीं, मतलब कोई वोल्टेज डिफरेंस दी ही नहीं, तो ये तो चार्ज तो जाएगा ही नहीं सर्किट में। तो मतलब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, या जैसे जैसे वोल्टेज घटेगी वैसे वैसे करंट घटेगा। इसी तरीके से मैं ये कह दूं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, यही ओम्स लॉ है, ठीक है। क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर आएगा I, और जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी
कॉन्स्टेंट आएगा, क्या होगा उसका नाम क्या दिया है हमने, रेजिस्टेंस। क्या है ये? रेजिस्टेंस मतलब पहले करंट जब फ्लो कर रहा था तो वो सिर्फ बैटरी को देख रहा था कि बैटरी कितनी वैल्यू दे रही है, लेकिन अब इसको फ्लो करने के लिए एक और चीज को देखना पड़ेगा। मैंने इसको रेजिस्टेंस के तरफ से दिखाया है, जिससे क्या पता चल रहा है, जो करंट अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर लगाऊं या I इज इक्वल टू V अपॉन R कर दूं, मतलब करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। अब करंट को इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। क्या है कि करंट अब आगे बढ़ेगा, देखेगा वोल्टेज कितनी है, फिर आगे बढ़ेगा तो देखेगा ओहो मुझे तो रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा फ्लो करने के लिए सर्किट में। मैं सिर्फ वोल्टेज को देख के अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता, मुझे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी कि ये रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। सॉरी, क्लियर है ये बात। क्या है ये बात कि बस करंट को फ्लो करने के लिए अब एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये इस तरीके की चीज हो गई कि जो हमारे पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैंने लिखा भी नहीं था। यही बात हो गई कि जो ओम्स लॉ है वो ये कह रहा है कि जो वोल्टेज है वो तो धक्का दे रहा है, ये करंट है हमारा ब्लू वाला, और जो हमारे पास येलो वाला है ये वोल्टेज है, और ये रेड वाला रेजिस्टेंस है। मतलब रेजिस्टेंस तो इसको रस्सी से बांध के रोक रहा है कि तू आगे नहीं जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। यही ओम्स लॉ बताता है, यही ओम्स लॉ बताता है कि V इज इक्वल टू आई आर, यही है ओम्स लॉ की डेफिनेशन। या फिर अब एक चीज देख ले, और क्या देख ले कि मैंने ये तो बता दिया कि अब करंट को आगे बढ़ने के लिए दोनों चीजों का ध्यान देना होगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों का, ठीक है। अब आप क्या करो, V1 एक बैटरी लगाओ और करंट नोटिस करो, फिर V2 बैटरी लगाओ करंट नोटिस करो। मतलब क्या करना है, V1 V2 मतलब ऐसे करंट और वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज को बढ़ाते जाना है और करंट नोटिस करते जाना है, V3 I3। तो जब आप इनको एक ऐसे कर्व पे प्लॉट करोगे करंट वर्सेस वोल्टेज के, तो आप देखोगे जो ये V1 I1 V2 I2 V3 I3 या जितनी भी आप वैल्यूज लोगे किसी एक पर्टिकुलर बैटरी के लिए जिसकी आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो और करंट नोट करते जा रहे हो, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन पे कट करेगा, जो एक ओरिजिन पे कट करेगा। कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ विद ओरिजिन इंटरसेक्शन, ठीक है। ये कुछ बातें थी ओम्स लॉ के बारे में। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। मतलब कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि V दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, और क्या दिया हुआ है, गिवन लिख देते हैं, और करंट दिया हुआ है 0.2 एम्पियर। अब पूछ रहा है रेजिस्टेंस बताओ क्या है, ओम्स लॉ लगा दूं, क्या कह रहे हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, निकालना क्या है R, तो मैंने V अपॉन I रख दिया, ठीक है। उसके बाद V की वैल्यू 0.1 है और R की 0.2 है, तो 1/2 कितना होता है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। सॉरी, 2 एम्पियर है करंट, करंट कितना है, 2 एम्पियर है, तभी हमारा आंसर गलत आ रहा है। वोल्टेज कितनी दी है, फिर से देखते हैं, 0.1 वोल्ट, करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर, तो 1/20 कितना होगा, 0.05 एम्पियर, क्या आ जाएगा आंसर,
ए, ठीक है, ध्यान में रखनी है ये सारी की सारी चीजें, जिसमें आपने क्या करना है, यूनिट्स का ध्यान देना है कि जो हमारी ऐसा यूनिट है वो उसी में दिया हुआ है या नहीं, और किस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा एम्पियर और वोल्टेज जो है उनकी वैल्यूज का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे लोग, करें आगे। चलिए अब हमें कुछ रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करना है। ये GIF देखो, हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि जो वोल्टेज है वो तो करंट को धक्का दे रहा है, जा जा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो इसको वापस धकेल रहा है कि तू आगे नहीं जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस किसी तरीके का अपोजिशन है, या मैं कह दूँ रुकाव है, किसके रास्ते में, किसके रास्ते में, करंट के लिए, करंट के लिए एक तरीके का रुकाव, मतलब रेजिस्टेंस को अपोजिशन या रुकाव भी बोल देते हैं। ठीक है, हो गई ये बात क्लियर? आई होप सबको ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस किस तरीके से है, जब एक सड़क पे बहुत ही ज्यादा, एक तो है कि बिल्कुल खाली सड़क है, बिल्कुल खाली सड़क है, तुम सीधे सीधे चले जाओगे, एक क्या है बहुत क्राउडेड सड़क है, बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़क का है, तो उसमें आपने जाने में दिक्कत होगी। यही कह रहा है, रेजिस्टेंस को हम वायर के रेजिस्टेंस को इसी के साथ कंपेयर करके बता सकते हैं क्या, कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा सड़क पे अगर भीड़ हो तो आपको चलने में मुश्किल होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से हैं कि जब वो फ्लो कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में, उनके पास भी ऐसा बहुत सारा क्राउड अगर मिल जाता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर कम क्राउड होगा इसकी इस मतलब खाली सड़क की तरह तो कम रेजिस्टेंस है। मतलब कि हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको रोक रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज सेम एज क्राउड, मतलब सेम एज क्राउड, मतलब जैसे अगर ज्यादा क्राउड होगा तो हमें जाने में दिक्कत होती है, उसी तरीके से हमारा जो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारे क्या होगा, करंट को जाने में दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, यही चीज की सिमिलरली अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, जैसे हम किसी अगर क्राउडेड सड़क पे चलते हैं तो हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, अब जब वायर होती है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे आइटम भी होते हैं, तो क्या होता है, ये जो स्काई ब्लू कलर की है ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ये जब चलते हैं, और ये जो है ग्रे कलर के ये हैं एटम्स, इनके चलने में ना ये जो एटम्स है ये भी एक रुकाव पैदा करते हैं, यानी कि एक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, ये जो आयंस बोल देते हैं हम इनको, जो हमारा जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से देखो, ये इससे टकराया, ओ इससे टकरा के ऊपर गया, इससे टकरा के ऊपर चला गया, मतलब ये क्या है, एक तरीके का किसी भी इनको रुकाव है, क्या है, रुकाव है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर दे कोलाइड विद आयन। यही चीज मैंने बताई आपको कि किसी भी कंडक्टर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाकी इलेक्ट्रॉन से तो टकराते ही टकराते हैं, आयन से भी टकराते हैं, मतलब और इलेक्ट्रॉन भी, जैसे मैं चल रही हूँ आपके दोस्त से भी तो टकरा सकते हो आप किसी क्राउड में, या फिर किसी और से भी टकरा सकते हो, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन भी होता है और इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन भी होता है, और इन्हीं कोलिजन्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं कोलिजन्स को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चे बाटी, ठीक है, इन्हीं कोलिजन्स को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, क्लियर है, और यही यही है जो अपोज करते हैं फ्लो को, तो यही इसी को वो रेजिस्टेंस कहेंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देख ले, यही होता है दिस टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एग्जाम में ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, बट आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी, किसकी, किसी सब्सटेंस की टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है रेजिस्टेंस के बारे में।
ये है, इट इज द, या किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. मतलब किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी क्या, कि वो फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट कर पाए अपने आप से, उससे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है, आगे देखो. अब रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा है, ऐसा है, सिंबल ऐसा है ना, जैसे रोड पे गड्ढे होते हैं, गड्ढे आपके चलने में रुकावट पैदा करते हैं, इसी तरीके से ये ऐसे गड्ढे, ये सर्किट के गड्ढे हैं. ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसकी ओम, जो हमारा ये ग्रीक सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ओम हो गया, ये हो गया. अब आगे टाइप ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ये है दो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस. पहला टाइप ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस इसका क्या मतलब है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड. ये क्या चीज है, ये इसका सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का. किसका, वेरिएबल मतलब जो गड्ढे थे उसमें एक तीर दिखा दो. ये क्या है हमारे पास, ये एक रियोस्टेट है, रियोस्टेट बोलते हैं इसको, रियोस्टेट. इसमें क्या है, जो आपको ये स्लाइडर दिख रहा है, आप इसको लेफ्ट राइट करके इसकी वैल्यू बदल सकते हो. ठीक है, और ये है हमारे पास फिक्स्ड रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस, जो हमारी इस पे जो ये वायर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर से, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग हो रही है, इसे कलर कोडिंग बोलते हैं. इसी को आप आगे पढ़ोगे 12th क्लास में, कि इसकी, इससे रेजिस्टेंस की, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलती है, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलती है. ये वेरिएबल, ये फिक्स्ड, ये हमारी कलर कोडिंग हो रही है इसके ऊपर, जिससे वैल्यू पता चलती है. और इस स्लाइडर को इधर उधर घुमा के आप वैल्यू पता लगा सकते हो. ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है. ठीक है, ये बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद अब है कि जो सिर्फ रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ये मैंने एल लेंथ की वायर ले ली और उसका रेजिस्टेंस आर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये ए है. अब ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता. मतलब मटेरियल कैसे, कैसे भी बताया मटेरियल पे, कि कितने उसके अंदर आयंस हैं, कितने अंदर उसके अंदर एटम्स हैं, या कितने उसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ वो ही, वो किसी मटेरियल पे ही डिसाइड करेगा. तो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टेंस, बट किस पे भी डिपेंड करता है, हमारे डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, कि कितनी मोटी वायर है, कितनी छोटी वायर है, या कितनी लंबी और कितनी पतली वायर है. ठीक है, ये सब पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है. कैसे, अब इसके लिए आपको एक ट्रैफिक एनालॉजी देती हूँ, कि आपको अपने घर से एक तो जाना है 5 किलोमीटर दूर और एक जाना है 10 किलोमीटर दूर. अब मुझे ये बताओ, 5 किलोमीटर दूर का रास्ता, ये 5 किलोमीटर हो गया, और ये 10 किलोमीटर दूर का रास्ता, किस में तुम्हें ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा, मतलब रेजिस्टेंस मिलेगा. कैसे, रेजिस्टेंस किस फॉर्म में पूछ रही हूँ मैं, या तो रास्ते पे गड्ढे हों, ठीक है, या फिर स्पीड ब्रेकर हों, या फिर रेड लाइट हो. रेड लाइट भी तो एक तरीके का अपोज ही है, रेड लाइट भी तो एक तरीके का अपोज ही है. तो ये बात तो सबको पता है, अगर छोटा 5 किलोमीटर का रास्ता होगा उसमें कंपैरेटिवली कम गड्ढे मिलेंगे, कम ही रेड लाइट मिलेंगी और कम ही ब्रेकर मिलेंगे. लेकिन 10 किलोमीटर में प्रोबेबिलिटी डबल हो गई, रास्ता डबल हो गया, तो रेड लाइट भी डबल हो गई, हमारे पास जो स्पीड ब्रेकर है वो भी डबल हो गए, या जो रास्ते में कहीं कहीं खड्डे आएंगे वो भी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए. मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना लेंथ है, कि जितना लंबा रास्ता उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस. ठीक है, अब इसी तरीके से एक आप सड़क ले लो जो आपकी है 4 लेन की, और एक सड़क ले लो 1 वे. मतलब देख रही हो, मैंने लेंथ सेम रखी है, बट ये तो हमारी 4 लेन सड़क है, 4 लेन सड़क है,
और ये सिर्फ हमारी वन लेन सड़क है, मतलब इसी सड़क से आ रहे हैं और इसी सड़क से जा रहे हैं, लेकिन इधर दो जाने की दो आने की। आप मुझे बताओ किस पे ज़्यादा ट्रैफिक मिलने के चांसेस हैं या फिर किस पे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं? ऑब्वियसली जितना चौड़ा रास्ता, जितना ज़्यादा एरिया, उतना कम रेजिस्टेंस, क्योंकि उतना इजीली चीज़ें आ जा सकेंगी। लेकिन जितना पतला, जितनी संकरी गली, उतने रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा। तो मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा, सॉरी एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो 1/a। ठीक है, ये थी हमारी डायमेंशन जिस पे ऐसे डिपेंड करता है। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो रो एल बाय ए होता है। ये जो रो है इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये भी रेजिस्टिविटी है और ये भी अपोजिशन है। क्या है? अपोजिशन है। लेकिन अब जब ये भी अपोजिशन है और ए भी अपोजिशन है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। क्या है कि डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस आर एंड रेजिस्टिविटी रो क्या है कि जो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी है करंट को अपोज करने की, वाइल जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो हमारी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब इसको ऐसे समझो कि रेजिस्टिविटी, जैसे मैंने कॉपर लिया तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो तो फिक्स रहेगी, फिक्स। जैसे मैंने कॉपर लिया, ठीक है, लेकिन जो जितनी हम कॉपर की लेंथ लेते हैं, जितनी हम कॉपर की वायर की विड्थ लेते हैं, वो रेजिस्टेंस होगा। मतलब कि रेजिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी जो लेंथ और क्या क्रॉस सेक्शन कितना है हमारी वायर का। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ कॉपर है, इतनी सी बात से पता चल जाएगी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? एरिया और लेंथ के साथ घट जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ज़्यादा पतली वायर लोगे और लंबी वायर लोगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और अगर चौड़ी मोटी वायर लोगे और छोटी वायर लोगे तो कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये बात ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी बताओ आगे बढ़े। आगे बढ़े फिर, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये GIF यही बता रहा है, थिनर द वायर लॉन्गर द वायर वर्स द कंडक्टर। किसी अच्छा कंडक्टर किसी को बनने के लिए उसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। लेकिन अगर तुम जितनी पतली वायर करोगे और जितनी लंबी वायर करोगे, ये केस वन में, तो उतना ही कम करंट होगा, उतना ही वर्स कंडक्टर होगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और एट द सेम टाइम थिकर वायर शॉर्टर वायर बेटर द कंडक्टर। मतलब क्या है, जितनी पतली वायर हो, मोटी वायर होगी, छोटी वायर होगी, उतना ही ज़्यादा करंट होगा। जैसे देखो इसमें कितना सारा करंट आ रहा है, और उतना ही बेटर कंडक्टर होगा, उतना ही लेस रेजिस्टेंस होगा। पर हर केस में बच्चा ऐसी बात नहीं है कि रेजिस्टेंस हमेशा बुरा होता है। आगे जब तुम हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे और उसकी एप्लीकेशन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा रेजिस्टेंस भी एक अच्छी चीज़ है, रेजिस्टेंस भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये कुछ मटेरियल के आपके NCERT में रेजिस्टिविटी दी हुई है, आपको लर्न नहीं करनी है, ये बस समझने के लिए है कि कंडक्टर की तो रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, कितनी 10^-8। इस रेजिस्टिविटी कम मतलब रेजिस्टेंस कम, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अलॉयज के बीच में होती है और इंसुलेटर की तो बहुत ही ज़्यादा होती है, कितनी 10^10, 10^14। इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, जहाँ हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है। लेकिन जहाँ हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होगा तो हम वहाँ इंसुलेटर के यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, हमेशा हम इंसुलेटर का यूज़ नहीं करते हैं। करें आगे, चलो ये हो गई रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की बात, और एक हो गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच, हैज अ रेजिस्टेंस दिस मच, रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर निकालनी है। क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है,
लेंथ दी हुई है एल 2 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻⁶ m² और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 × 10⁻²⁷ ओम। क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो एल बाय ए से या फिर रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल से निकल जाएगा। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इसमें, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻²। एरिया कितना दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁶, लेंथ 2। क्या आ गया आंसर? 1.7 × 10⁻⁶ + 2 - 9 बी आंसर आ गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल इजी था। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था। सिर्फ वैल्यूज पुट करी हमने और रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल कर दिया और रो की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़िए इस क्वेश्चन को और जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। आपके पास मैं आपको 20 सेकंड्स का टाइम देती हूँ, आप इसको इतने सोक इन करो और इस क्वेश्चन को पढ़ो और अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी। जल्दी बताइए आंसर। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड हैज अ रेजिस्टेंस आर। अब एक और कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ तो 2L है एंड रेजिस्टेंस आर है, लेकिन मटेरियल सेम है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। उसने कह दिया एल ए आर, ये पैरामीटर दिए हैं, तो मैं आर इज इक्वल टू इसके लिए रो एल बाय ए लिख दूं। मैंने रो इसका कुछ भी एक रो रेजिस्टिविटी मान ली। ठीक है, ये बात क्लियर है। रो एल बाय ए पुट कर दिया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। क्या कह रहा है? एक और कंडक्टर है, उसकी लेंथ तो 2L है, ठीक है, और रेजिस्टेंस R ही है और मटेरियल सेम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है। तो मुझे ये बताओ कि हमारे पास मटेरियल सेम है तो मैं रो के रो ही ले सकती हूँ, रो का रो ले सकती हूँ और इसका रेजिस्टेंस भी आर है, तो मैं आर कितना लिख सकती हूँ इधर रो इंटू 2L डिवाइडेड बाय एरिया निकालना है, तो मैं एरिया को ए डैश लिख देती हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट देखो और सेकंड इक्वेशन देखो, दोनों ही चीज़ें आर के इक्वल हैं, दोनों का रेजिस्टेंस क्योंकि आर है तो मैं इक्वेट कर सकती हूँ, मतलब रो एल बाय ए इज इक्वल्स टू रो 2L बाय ए डैश। ये कट गया, रो से रो कट गया, एल से एल कट गया, तो ए डैश क्या हो जाएगा 2A, मतलब जो हमारा एरिया होगा वो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ पहले वाले कंडक्टर के होगा। किस चीज के लिए? रेजिस्टेंस सेम करने के लिए और रेजिस्टिविटी भी सेम करने के लिए। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो गया। मतलब हमें क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है कि मटेरियल सेम दिया है, लेंथ सेम दी है या एरिया सेम दिया है, उसी चीज़ों को लगा के हम इधर से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात, उसके बाद हम करेंगे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन एंड देन हीट। जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ नहीं है, अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग दिस सारी चीजें। क्या क्या? एक सेल लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया और एक एमीटर, एक प्लग लगा दिया और एक करंट की डायरेक्शन शो कर दी, और चाहो तो यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? बस कुछ नहीं है, आपको किसी भी चीज का एक पूरा एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट से, और उसमें ये सारी चीजें सिंबल की तरह लगी हुई हैं। अब ये सारे सिंबल क्या क्या हैं? ये है हमारे पास कुछ सर्किट सिंबल कि इलेक्ट्रिक सेल को तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन कर दो तो उसे बैटरी बोलते हैं। ये है हमारे पास
ओपन स्विच, मतलब अगर ये इस सर्किट में लगा होता तो ये करंट इससे फ्लो नहीं कर रहा होता. मतलब ये क्या है, एक तरीके का ब्रेक है सर्किट में. मतलब ये की है, की लगा दी तो हमारा क्या है, सर्किट पूरा हो गया और करंट फ्लो कर रहा है. लेकिन उसी तरीके से अगर ये ओपन की है तो हमारे सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई ब्रेकेज दिया हुआ है हमने सर्किट में. ठीक है, ये क्लोज की हो गई, मतलब चल रहा है सर्किट में से. ये हमारे पास वायर जॉइंट का सिंबल है, और ये हमारे पास अगर वायर एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं तो इस तरीके का सिंबल है. ठीक है, बल्ब को हम इस तरीके से दिखाते हैं या इस तरीके से, रेजिस्टेंस को इस तरीके से, वेरिएबल रेजिस्टेंस को इन दोनों तरीके से दिखा सकते हैं. एमीटर का ये सिंबल है, वोल्टमीटर का ये सिंबल है, और गैल्वेनोमीटर का जी लगा दो बीच में. क्लियर है ये बात? क्लियर है. अब बच्चा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन. अब ये जो है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके अगर आप सैंपल पेपर में से देखो तो इसमें से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आप पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से 6 मार्क्स का आया हुआ है, और 6 मार्क्स का भी इंपॉर्टेंट किससे, सीरीज पैरेलल से या फिर हीट से आया हुआ है. ठीक है, सीरीज कनेक्शन क्या है और पैरेलल कनेक्शन क्या है. जब बल्ब के दोनों साइड अलग अलग चीजों से जुड़ी हो तो उसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन. जैसे अगर मैं ये बना दूं, तीन लड़कियां हैं, तीन लड़कियों के नाम क्या लूं, सोनू मोनू रोनू. ठीक है, सोनू मोनू रोनू ने एक हाथ, तो सोनू ने मोनू का पकड़ा हुआ है और मोनू ने एक हाथ रोनू का पकड़ा हुआ है, और बाकी सोनू और रोनू का एक एक हाथ बैटरी के थ्रू जुड़ा हुआ है. मतलब क्या है, वो ऐसे खड़ी हुई हैं साइड बाय साइड, एक एक हाथ एक दूसरे का ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है ना. ठीक है, ये हो गया सीरीज कनेक्शन. और पैरेलल कनेक्शन क्या है, कि ये जो दोनों बल्ब हैं, इन दोनों के दोनों बल्ब के दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जैसे कि मैं अपने आगे दोनों हाथ लेके, जैसे सोनू मोनू रोनू ही देख लेते हैं, सोनू मोनू रोनू, इन दोनों ने अपने दोनों हाथ ऐसे ज्वाइन करे हुए हैं, और रोनू ने भी इन दोनों के साथ दोनों हाथ ज्वाइन करे हुए हैं. मतलब मेरे सामने एक लड़की खड़ी हो जाए मेरे दोनों हाथ पकड़ के, और उसके पीछे एक लड़की खड़ी हो जाए दोनों हाथ पकड़ के, या मेरे पीछे एक लड़की खड़ी हो जाए मेरे दोनों हाथ पकड़ के. मतलब दोनों हाथ एक ही बंदे से जुड़े हुए हैं. जैसे कि अगर आप बल्ब का एक हिस्सा देखो, ये फर्स्ट हिस्सा, ये सेकंड हिस्सा, ये इसका फर्स्ट हिस्सा, ये इसका सेकंड हिस्सा, ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट. मतलब इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तीनों का फर्स्ट एक साथ जुड़े हुए हैं, और इसका सेकंड और इसका सेकंड, तीनों एक दूसरे साथ जुड़े हुए हैं, और फिर वो तीनों एक साथ डायरेक्ट बैटरी से भी जुड़े हुए हैं. ठीक है, अब इसी तरीके से ये केस ए में देखो, बल्ब का एक हिस्सा दूसरे बल्ब से और दूसरा बैटरी से, बल्ब का दूसरा हिस्सा इससे, और मतलब ये दोनों आपस में ऐसे, और ये बैटरी से. तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन. उसी तरीके से पैरेलल में क्या है, दोनों हिस्से पहले तो एक दूसरे से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, फिर दोनों हिस्से बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन. चलो एक क्वेश्चन देती हूँ. मैंने तीन बल्ब इस तरीके से जोड़े, किस तरीके से, इस तरीके से जोड़े. अब बताओ ये सीरीज है या पैरेलल है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में बताओ कि ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है. अब इस वजह से देख के नहीं बोलना कि आगे पीछे तो खड़े हैं तो सीरीज कनेक्शन ही होगा, ओ पैरेलल कनेक्शन ही होगा. लेकिन इसमें देखो कि बल्ब का एक पॉइंट तो दूसरे बल्ब से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा बैटरी पे जा रहा है. इसी तरीके से इस बल्ब का एक तो इस बल्ब से जुड़ा हुआ है, और दूसरा इस बल्ब से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पॉइंट बैटरी से जुड़ा हुआ है. तो ये कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पैरेलल की तरह दिख रहा है, देखने पे नहीं जाना, हमने देखना है कि हाथ किस तरीके से जोड़े हुए हैं उन्होंने. ठीक है बच्चों, हाँ तो ये हो गया कुछ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन की बातें. अब तुम ये देख लो, सीरीज कनेक्शन में जब तुम ये वाली GIF देखोगे तो ये करंट है, इस करंट के बाद सर्किट में जाने के लिए और कोई रास्ता है क्या,
नहीं है ना, तो मतलब करंट जो है वो तो कांस्टेंट है सीरीज में, लेकिन जो ये वोल्टेज है, ये बैटरी की वोल्टेज लगी हुई है, ये इन दोनों बल्ब में इस तरीके से डिवाइड हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे एक एग्जांपल देखो, मैंने एक पानी की टंकी रखी है आपके आगे और मैं कह रही हूँ आप तीन बच्चे हो, जाके बारी बारी भर के आओ। जो पहला बच्चा जाएगा उसे तो टंकी मिलेगी भरी हुई, वो एक बाल्टी निकाल के वापिस आ गया, लेकिन जब दूसरा बच्चा जाएगा उसे भरी हुई टंकी नहीं मिलेगी, उसे उस टंकी में एक बाल्टी कम पानी मिलेगा। मतलब मैंने एक एक करके भेजा, एक के बाद एक भेजा, मतलब सीरीज में भेजा, तो क्या हुआ, मैं वो जो पानी की टंकी है उसको बैटरी की तरह मान रही हूँ कि जितना बैटरी में से उनसे पानी निकाल लिया, मतलब पहली बारी में इसमें तो कुछ वोल्टेज निकाल ली, तो दूसरे को उतनी वोल्टेज नहीं दिखेगी, कम ही दिखेगी। इसका मतलब वोल्टेज इसने V1 ले ली, इसने V2 ले ली, लेकिन सबका अगर पानी मिला दूँ तो वो टोटल पानी भी बता देगा कि कितना पानी था, तो वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये हो गई सीरीज कनेक्शन की मेन चीजें। क्या है सीरीज कनेक्शन में, या याद करना है कि जो करंट है वो तो पूरे सर्किट में कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वोल्टेज है वो किस तरीके से होती है, V1 प्लस V2, ठीक है, इस तरीके से होती है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, ये पॉइंट देखना है, ये है हमारे पास A, ये है हमारे पास B, ये हमारे पास ये येलो से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, ए पॉइंट पे आया करंट, उसको आया तो तीन रास्ते मिले, उसने I1 इधर दे दिया, I2 इधर दे दिया और I3 इधर दे दिया। अब करंट के पास तो तीन रास्ते हैं, तो मतलब जो और टोटल करंट जब हमारा वापस बी पॉइंट पे आ रहा है तो वो मिलके उतना ही हो जा रहा है जितना पहले था, तो मतलब करंट तो इस तरीके से हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। उसके बाद वोल्टेज देखो, ये हमारा बैटरी सोर्स है जिसे हमने ई से दिखाया है, लेकिन ये बैटरी सोर्स हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमारे तीनों रेजिस्टेंस से। ये देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, इससे भी, R2 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और R3 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो गई इसमें, ठीक है। ये चीजें हो गई हमारी पैरेलल कनेक्शन के लिए, बिल्कुल क्लियर है ये बात। तो क्या था, सीरीज में हमारे पास करंट कांस्टेंट था और वोल्टेज V1 प्लस V2 थी, लेकिन पैरेलल में जो करंट है वो तो I1 प्लस I2 प्लस I3 है एंड वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बच्चों, इसको पूरा लिख देती हूँ कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाए, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा करंट तो सीरीज में कांस्टेंट है, मतलब करंट उतना ही रहेगा, आई रहेगा, इससे भी करंट आई जाएगा, इससे भी करंट आई जाएगा, इससे भी जाएगा, लेकिन इन तीनों की वोल्टेज अलग अलग होगी। अगर मैं V1 लिखना चाहूँ IR1 लिख देती हूँ, V2 लिखना चाहूँ IR2 लिख देती हूँ, और V3 लिखना चाहूँ तो IR3 लिख देती हूँ। ये हो गई अलग 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 वोल्टेजेस। अगर मैं इस सर्किट को एक ऐसे सर्किट से रिप्लेस कर दूं जहां ये R1, R2, R3 की जगह एक ही रेजिस्टेंस हो RS, और वोल्टेज कितनी लगाऊं, उतनी ही लगा देती हूं V, और करंट कितना, उतना ही I, तो इसमें अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊंगी तो क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू IRS, ठीक है। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें एक और बात पता है, क्या पता है, कि जो हमारा V होता है वो इस तरीके से होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही करा हमने सीरीज कनेक्शन में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, या जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसी तरीके से V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद जब अगर ये कर देते हैं तो हम इस वाले में इससे V इज इक्वल टू IRS, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3 इसमें पुट कर देते हैं। और मैं इसको मान लेती हूँ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ using 1, 2, 3,
3 and 4. Put कर दे वैल्यू. आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री. क्योंकि करंट सेम था इसीलिए सब में करंट कट जाएगा. और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है ये बात, ठीक है. अब आगे इसी तरीके से पैरेलल का देख ले. पैरेलल में क्या है, करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है और वोल्टेज उतनी है. तो मैं अगर V अपॉन R1 I1 की वैल्यू लिख सकती हूँ, इसी तरीके से I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 लिख सकती हूँ और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 लिख सकती हूँ. ये हो गई वन इक्वेशन, ये हो गई टू और ये हो गई थ्री. अब मैं सेम तरीके से इसमें R1, R2, R3 की जगह एक RS पुट कर रही हूँ और सेम ही बैटरी लगा रही हूँ V की. और करंट कितना जा रहा है, जो ये टोटल करंट जा रहा था I, अगर मैं इसमें ओम्स लॉ लगा दूं तो कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू I, इसको RP कर दो. RS तब था ना, S मतलब सीरीज और यहाँ P के मतलब क्या आ जाएगा, P मतलब आ जाएगा पैरेलल. आई आर पी. तो मैं इधर से क्या करती हूँ, आई की वैल्यू निकाल लेती हूँ वी अपॉन आर पी. अब यूजिंग, उससे पहले हमने ये पढ़ा था आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री. ये पढ़ा था ना यहाँ पे इस वाली में कि कर वोल्टेज तो सेम है कि V की V ही रहेगी, लेकिन जो करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों उसमें डिवाइड हो जाएगा. तो यूजिंग वन टू थ्री और फोर, जो I है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है, V अपॉन आर पी, V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू प्लस V अपॉन आर थ्री. क्या आ गया, वी 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 कट गया, वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री. ये क्या हो गया, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि अगर आप इस सर्किट की जगह ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट लगा देंगे तो क्या वैल्यू आएगी. ये था हमारे पास सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स, जिसमें R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री था और वन बाय आर पी इज इक्वल टू फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री था. ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ यही चीज़ है, अगर आप ये बता दो एक क्लोज सर्किट है उसमें से मैं एक चीज़ निकाल दूँ या उस सर्किट को ब्रेक कर दूँ. मान लो मैंने ये वाला बल्ब निकाल दिया सीरीज सर्किट में से, तो ये जब मैंने निकाल दिया तो इधर से तो सर्किट में ब्रेक आ जाएगा. मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे उसको दिखेगा कि यहाँ पर जाने का कूदने का कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ पे कूदने का रास्ता ही नहीं है. तो अगर मैंने एक बल्ब निकाल दिया सीरीज सर्किट में से तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा. इसी तरीके से अगर पैरेलल में मैं देखूं, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और मेरे पास इलेक्ट्रॉन का एक तो ये रास्ता हो गया वापस आने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो अगर इधर जाएंगे तो इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है, जंप तो कर नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, इसमें से तो कोई करंट नहीं जाएगा. लेकिन पैरेलल कनेक्शन में यहाँ आगे भी तो जा सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं. मतलब अगर पैरेलल में से एक बल्ब निकल दिया तो भी बाकी दोनों बल्ब तो जलते रहेंगे, ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब. लेकिन अगर सीरीज में से एक भी बल्ब निकाल दिया तो सारे के सारे बल्ब जलना बंद हो जाएंगे. इसी वजह से अगर आपके घर में मान लो फ्रिज है इस बल्ब की जगह, या फिर एसी है, या फिर कोई और अप्लायंसेस ले लो, टीवी ले लो, है ना. अगर मान लो आपने टीवी बंद करा, अगर आपके घर में सीरीज सर्किट में सारी चीज़ें होती, टीवी बंद करते तो जैसे बाकी सारे बल्ब बंद हो गए, उसी तरीके से फ्रिज भी बंद हो जाता, एसी भी बंद हो जाता, चिमनी भी बंद हो जाता, सब बंद हो जाता. लेकिन पैरेलल सर्किट में अगर टीवी बंद होगा तो सिर्फ टीवी ही बंद होगा,
ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई तो एक ही आ रही है ना जो घर के बाहर लग रही है, तो उससे अगर सिर्फ टीवी बंद होगा तो टीवी ही बंद होगा, और अगर फ्रिज बंद होगा तो सिर्फ फ्रिज ही बंद होगा। इसीलिए जो हमारे जो होम होते हैं, जो हमारा घर होता है, उसमें पैरेलल सर्किट्स होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, क्या है? ये जो दो छे हैं वो तीसरे छे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये दोनों छे किस तरीके से कनेक्टेड है? ये दोनों तो पैरेलल में है, क्योंकि इन दोनों के दोनों हिस्से जुड़ रहे हैं, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1/6, 1/6, 1/r। ये कितना हो गया? 2/6, और r कितना हो गया? 6/2। तो आंसर कितना आ गया? 3 ओम। लेकिन इसके साथ जो ये तीसरा छे है, ये सीरीज में है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही हाथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो मतलब जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस वो कितना आएगा? ये 3 + 6 कितना? 9। कितना आ गया? 9 ओम। और आंसर कौन सा सही हो गया? ए। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और देखो। अगर जैसे ऐसे ये तीन है, ये तीन रेजिस्टेंस है, इसी तरीके से मैं 30 ओम के तीन रेजिस्टेंस ले रही हूँ। कितने के ले रही हूँ? 30 ओम के तीन रेजिस्टेंस ले रही हूँ, और उन्हें अलग अलग सर्किट में कनेक्ट करती हूँ। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम अलग अलग सर्किट्स में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो कौन से तरीके के सर्किट में आता है, और मिनिमम कौन से में आता है। पहला मैं क्या करती हूँ, तीनों 30 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर देती हूँ। 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 90 ओम। कितना हो जाएगा? 90 ओम हो जाएगा ना, सही कह रही हूँ ना? अब दूसरा केस क्या लेती हूँ, दो को तो सीरीज में कनेक्ट कर देती हूँ और तीसरे को इनके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देती हूँ। 30, 30, 30, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 60 ओम, और ये 1/60 + 1/30 होगा, ये पैरेलल में आ जाएंगे। इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60, इसका 1 + 2 1/RP, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 60/3। कितना आ गया? 20 ओम। ठीक है, ये हो गया केस वन, केस वन, केस टू। अब इसी तरीके से केस थ्री देख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई? इस केस में आई 20, इस केस में आई 90। कितनी आई थी इस केस में? 30 + 30 + 30, 90 ही हुई ना। अब एक केस थर्ड ले लेते हैं, जिसमें मैं क्या करती हूं, दो को तो पैरेलल में करती हूं, जिस तरीके से अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, और तीसरे को इसके साथ सीरीज में कर देती हूं। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा बच्चा? 1/30 + 1/30 क्या होगा? 2/30, या फिर 30/2 RP। ये 1/RP था, ये कितना हो जाएगा? 15 ओम। और ये तीसरे के साथ सीरीज में है, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 30 + 15, दैट इज R = 45 ओम। ये था केस थर्ड। अब एक चौथा जो हमारे पास लास्ट केस बनता है, वो केस बनता है तीनों को पैरेलल में लगा दो। नहीं लगाया ना अब तक पैरेलल में तीनों को? 30, 30, 30। अब देखो, 1/30 + 1/30 + 1/30, 1/RP। कितना होगा ये? 1/RP = 3/30 = 1/10। कितना हो गया इसका R? इसका R हो गया 10 ओम। मतलब केस वन में था 90, टू में 20, थ्री में 45 और फोर में 10। मतलब कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं किस में आ रहा है, वो आ रहा है पहले केस में जब हमने तीनों को सीरीज में किया था, तो सीरीज में।
और मिनिमम रेजिस्टेंस कितने किस में आ रहा है? देखो 90, 20, 45, इन तीनों में सबसे कम तो 420 है, लेकिन उससे भी कम कितना है 10, जो हमने जब तीनों को पैरेलल में किया तब आया। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालो इन रेजिस्टेंस को यूज करके, तो सीरीज में करेक्ट करके आएगा, और अगर मिनिमम में निकालना हो तो पैरेलल में आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम। 1/5 ओम का यूज करके 5 रेजिस्टर्स ज्वाइन करने हैं, लेकिन मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है। मिनिमम रेजिस्टेंस हमें पता है पैरेलल में होता है, तो हम 5 और 1/5 को 4 और 1 5 इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तब हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस आ जाएगा। और कितना आएगा? 1/RP = 1/1/5 + 1/1/5 + 1/1/5 + 1/1/5 + 1/1/5 + 1/1/5 कितना हो गया? 1/RP = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना आ गया? 25 ओम। लेकिन ये आया 1/RP। आरपी कितना आएगा? ये आएगा 1/25 ओम। कौन सा आंसर सही होगा? बी। मिनिमम रेजिस्टेंस जो 1/5 ओम से बन सकता है वो कितना बन सकता है? 1/25 ओम। बाकी किसी भी तरीके से आप 5 रेजिस्टर्स को लगा लीजिए, आपके पास मिनिमम नहीं आएगा, मिनिमम आएगा पैरेलल में। ठीक है, अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे इस पूरे मैराथन के, वो है हीट जनरेटेड। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं मान लो आपको ये कह रही हूँ कि ये मेरे दो हाथ हैं, मैं इन दो हाथों को इस तरीके से कोलाइड करा रही हूँ 2 बार 3 बार 4 बार, एक हीट जनरेट लगती है आपको जब आप बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहे हो, हीट जनरेट लगती है। या मैं अपने दोनों हाथों को रब करूं बहुत जोर जोर से रब करूं, गर्म हो जाते हैं ना। मतलब मैं इन दोनों हाथों को कोलाइड करा रही हूं तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट हो रही है। इसी तरीके से जब मेरे इलेक्ट्रॉन और आयन कोलाइड करेंगे तो कुछ हीट जनरेट होगी। मैंने बताया ना, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो आयन से कोलाइड करते हैं और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अगर ये कोलिजन बहुत ज़्यादा देर तक होगा या बहुत ज़्यादा टाइम तक होगा तो हीट जनरेट होगी। या फिर जब आपने देखी, अगर हम एक बुलेट फायर करते हैं किसी वुडन ब्लॉक में, हमारे पास एक बुलेट है, तो जब ये वुडन ब्लॉक में जाके यहाँ पर अटैच हो जाती है तो धुआं सा निकलता है, हीट जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि जो ये बुलेट के पास इतनी तेज जो स्पीड थी, या फिर मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी थी, वो जब बुलेट के अंदर गई तो उसने कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जो थी वो लूज कर दी, क्योंकि बुलेट में जाके तो वो वुडन ब्लॉक में तो जाके वो स्टॉप हो गई, तो उसने सारी की सारी हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अपनी हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर दी, जिससे कि हमें धुआं दिखा या स्पार्किंग दिखी। इसी तरीके से जब हमारे पास वायर में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है तो इधर उधर कितने सारे कोलिजन करके चलता है, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो ये लूज करेगा। तो यही जो काइनेटिक एनर्जी लूज करता है वो हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यही है जो ये रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है, यही रेजिस्टेंस है, यही रिस्पॉन्सिबल है हीट जनरेशन के लिए। ठीक है ये बात। उसके बाद अब ऐसे रैंडम मोशन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी ही टकराते रहते हैं, और हमने देखा है यही टकराने की जो वजह है, यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हमने कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कोलिजन्स के थ्रू हमारी हीट एनर्जी में बदल गई। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में बदली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में बदली, और वही काइनेटिक एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में बदल गई। समझ आई ये बात? ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक अपने हाथों को ऐसे क्लैप करती रहूँ, एक मैंने करके छोड़ दिया और एक मैं क्या कर रही हूँ,
कम से कम एक घंटे, या फिर मैं कहूँ आधा घंटा, या मैं कहूँ 10 मिनट, तो जितना ज्यादा टाइम तक मैं इसको कोलाइड कराती रहूंगी अपने दोनों हाथों की, उतने ज्यादा मेरे हाथ गर्म होते जाएंगे, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती जाएगी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जितनी देर के लिए उसमें फ्लो करते रहेंगे, फ्लो करते रहेंगे, फ्लो करते रहेंगे, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। मतलब जो हीट जनरेट, जिसे मैं एच से डिनोट कर रही हूँ, हीट जनरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद जितनी ज्यादा रुकावट होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, या जितने ज्यादा ये आयन प्रोड्यूस होंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उतना ज्यादा ही हीट जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा कोलिशंस पड़ जाएंगे। तो मतलब रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर मैं ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोवाइड करा दूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही बहुत ज्यादा भेज दूं, तो मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही उन्हीं आयंस के साथ कोलाइड कर जाएंगे। मतलब करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कैसे? स्क्वायर के। कैसे है? स्क्वायर के। इन तीनों चीजों को जोड़ दो, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया फॉर्मूला? हीट का, हीट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप डिराइव भी कर सकते हो। कैसे? आपको पता है जो वोल्टेज है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, अब आपने जो हमारा वर्क डन होता है वो ही हीट होता है, क्योंकि वर्क डन भी एक तरीके की एनर्जी है और हीट भी एक तरीके की एनर्जी है। तो ये हो गया क्यू वी। क्यू पता है हमें, आई टी होता है चार्ज इंटू टाइम, कई बार यूज किया है। आई टी वी हमारी हीट आ गई, एक फॉर्मूला आ गया हमारा हीट का, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फॉर्मूला में ओम्स लॉ यूज कर देती हूँ और V की जगह IR रख देती हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, इसकी जगह हीट का V की जगह IR रखा, एक I पहले से था तो I स्क्वायर R T दूसरा फॉर्मूला आ गया। एक और फॉर्मूला बन सकता है जिसमें क्या हो, सिर्फ तुम्हारे पास V और R हो। तो मैं इससे ओम्स लॉ से क्या पुट कर दूंगी, आई की वैल्यू वी अपॉन आर पुट कर दूंगी। तो हमारे पास हीट जनरेटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये तीनों ही फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है किस किस केस के लिए, जिस केस में आपको टाइम और वोल्टेज दिया हो और करंट दिया हो ये यूज़ करना है, करंट रेजिस्टेंस टाइम दिया हो ये यूज़ करना है, वोल्टेज रेजिस्टेंस टाइम दिया हो ये यूज़ करना है। बाकी आप एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, क्या पुट करके, ओम्स लॉ। अगर याद नहीं भी रहता है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये बात क्लियर है, ये बात हीट क्लियर है। ठीक है, अब हीट की थोड़ी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मतलब ये जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट में, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। किस किस में? इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल आयरन, रूम हीटर, इमर्शन हीटर, या फिर इलेक्ट्रिकल कैटल या हेयर ड्रायर, है ना। क्योंकि आपके जो हीटर, रूम में हीटर लग रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन लग रही है जो आप घर में, जिससे आप प्रेस करते हो वो, या फिर इमर्शन हीटर, इन सब चीज़ों में आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है। ये रॉड लगती है ना घर में, इसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट काम आता है। और जो हमारे पास ये जो सारे के सारे हीटिंग एलिमेंट हैं, इसमें एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट क्या होता है? कॉइल ऑफ वायर होती है जिसमें से करंट पास करता है, और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उस कॉइल का, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और वही हीट होती है, उसी से हॉट बनता है, पानी भी उसी से गर्म होता है, कपड़े भी उसी तरीके से प्रेस किए जाते हैं। और क्या कर रहा है ये, जो अमाउंट ऑफ हीट जितनी भी प्रोड्यूस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कि मटेरियल की लेंथ या थिकनेस क्या है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। मतलब जो हीट है वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है और एरिया पे भी डिपेंड करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपके सैम्पल पेपर में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने सैम्पल पेपर डिस्कशन नहीं देखा है तो आपके इसी CBSE क्लास 9-10 के हमारे इस पे यूट्यूब चैनल पे डाउटनेट के अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है।
नेक्स्ट चीज है इसकी कुछ एप्लीकेशन, जिसमें से पहली एप्लीकेशन है बल्ब। बल्ब में ये क्या होता है, ये टंगस्टन का एलिमेंट होता है और इसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि ये बहुत जल्दी से पिघलता नहीं है, बहुत जल्दी से पिघलता नहीं है। हम इसको बहुत ज्यादा करंट देते हैं तो अपने आप से करंट पास करा के रेजिस्टेंस हाई करवा के और ग्लो करता है, इस तरीके से लाइट देता है, लेकिन पिघलेगा नहीं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा करंट पास कराओ, करंट पास कराने का क्या है कि कोलिजन ज्यादा होंगे, हीट प्रोड्यूस होगी और वही हीट प्रोड्यूस करके हमें लाइट दे देती है। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट एप्लीकेशन, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है जो हमारे घरों में लाइट आती है इलेक्ट्रिक फ्यूज के थ्रू। आजकल इस फ्यूज की तरीके पे हमारे पास क्या आ चुकी है, MCB। क्या आ चुकी है, MCB आ चुकी है बच्चों। क्या है ये MCB, जैसे ही थोड़ी तेज लाइट आएगी ये MCB अपने आप डाउन हो जाती है, पर पहले नहीं होता था ऐसे। क्या होता था पहले कि इस तरीके का इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता था और यहाँ पर एक लेड की वायर लगाते हैं हम। लेड की वायर क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। उससे क्या फायदा होता है, मतलब कि अगर इसको थोड़ी सी भी हीट मिलेगी, इसको हीट मिली तो ये मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब कि जब हमारे पास हमारे एक सर्टेन एक अमाउंट ऑफ करंट है, मान लो 2.5 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर से ज्यादा करंट आया और हमारे पास आ गया 5 एम्पियर पहुंच गया या 4 एम्पियर पहुंच गया, तो क्या होगा, ये लेड की वायर में वो करंट आएगा, इस करंट की वजह से यहाँ पर कुछ हीट प्रोड्यूस होगी और इतनी हीट प्रोड्यूस करके जो ये लेड वायर होगी ये जल जाएगी और यहाँ से ये सर्किट को ब्रेक कर देगी। क्या कर देगी, सर्किट ब्रेक कर देगी। इस सर्किट ब्रेक से क्या होगा, जो इसके आगे जो सर्किट जुड़ा था हमारे घर के अप्लायंसेस, फ्रिज था, एसी था और क्या क्या है, टीवी है, ये सारे महंगे महंगे अप्लायंसेस के पास वो जा ही नहीं पाएगा करंट, वो यहीं पे इस लेड वायर को जला देगा और आगे हमारी ये सारी चीजें सेफ रहेंगी जो हमारे सर्किट में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब करंट ज्यादा आ गया तो उसने जाने ही नहीं दिया आगे, करंट को यहीं पे ब्रेक लगा दिया। आजकल इसकी जगह क्या होता है यूज होता है, MCB। क्या होता है, MCB, मिनिएचर, इसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मतलब क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक करने के लिए अपना अपने आप MCB गिर जाती है। कहते हैं ना कि भाई MCB गिर गई जी हमारी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट और लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक प्रेस। इलेक्ट्रिक प्रेस का क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेस में भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा करंट आता रहे और जो हमारे पास ये प्लेट है इसमें ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट होती रहे, जिसकी वजह से जो हमारे नीचे कपड़े होते हैं वो अच्छे से, जो रिंकल्ड होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं, है ना। बट उसके लिए क्या है हमारे पास, क्योंकि जो हम प्रेस करते हैं तो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है प्रेस के साथ, तो हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए था कि वो हीट तो ट्रांसफर कर दे, मतलब हीट तो ट्रांसफर कर दे लेकिन करंट ना पास करे, वरना तो जो भी प्रेस कर रहा होगा उसको करंट लगता रहेगा। मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। इसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या प्रोडक्ट निकाला, मतलब क्या बोन मटेरियल निकाला, वो था माइका शीट। उसे क्या बोला हमने, माइका शीट बोला, ठीक है, यही बोला ना। उसी ये क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट को तो पास होने देगा लेकिन करंट को पास होने नहीं देगा, जिससे हम शॉक से बच जाएंगे और कपड़े बहुत आसानी से प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारी लास्ट एप्लीकेशन और यहीं पर हमारा जो भी पार्ट था इलेक्ट्रिक हीट का वो खत्म होता है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो बचता है वो बचता है इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या है बच्चों, पावर की डेफिनेशन है V into I या फिर I2R और V2R। कैसे, V into I में आप क्या करो, V = IR पुट कर दो तो I2R आ गया, या फिर इसमें I की जगह V/R पुट कर दो। ओम्स लो,
तो क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। या फिर हीट का जो फॉर्मूला है उसमें हमने क्या कर दिया, क्या होता है पावर, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ हीट। रेट ऑफ हीट का मतलब क्या है कि जो भी हीट है उसको क्या कर दो तुम, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो मतलब जो जहां जहां भी हीट के फॉर्मूला में टाइम था वहां वहां टाइम नहीं है, सिर्फ बाकी करंट और वोल्टेज वही है। अगर आप फॉर्मूला कंपेयर करोगे तो यही आएगा ना, वी आई आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर, सिंपल सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर है वॉट, और एक वॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, पावर की जगह वॉट रखो और वोल्ट की जगह वन वोल्ट, वोल्टेज की तरह वन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय वन एम्पियर। इसी तरीके से सारी एसआई यूनिट डिफाइन करी है हमने, मतलब कि मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ कि इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरी वन एम्पियर ऑफ द करंट व्हेन ऑपरेटेड एट वोल्टेज डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये थी हमारे पास पावर की यूनिट विच इज वोल्ट। यही हमारे पास ये कॉमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, क्या है, किलोवाट। और जो आपके घर में बिजली का बिल आता है, कभी आपने देखा है कि उसकी एक यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। इसका इस तरीके से कन्वर्जन है और जूल में इसकी इतनी वैल्यू है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए। अगर पेपर में आ गया तो आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये मैराथन सेशन हम एंड करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी कीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेजिस्टर ऑफ 2 ohm and 4 ohm रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 volt बैटरी, द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ohm रेजिस्टेंस इन 5 seconds। ओके, क्या कह रहा है कि आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं, कितने कितने, एक 2 ohm का है और एक 4 ohm का है, ये 2 ohm का रेजिस्टेंस, ये 4 ohm का रेजिस्टेंस, लेकिन ये सीरीज में कनेक्ट है, मैंने तो पैरेलल में लगा दिया तो वो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब सीरीज में करते हैं इन्हें कनेक्ट, एक 2 ohm का रेजिस्टेंस, एक 4 ohm का, कितने 6 volt बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब सीरीज का इसका करंट, इसका टोटल सीरीज का इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 + 4 दैट इज 6 ohm, और मैं इसमें ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल देती हूँ, करंट तो सीरीज में सेम रहता है ना, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वोल्टेज कितनी दी है 6 volt और रेजिस्टेंस है 6 ohm, तो आई आ गया 1 ampere, करंट आ गया। अब क्या निकालना है, हीट डिसिपेटेड किसमें, 4 ohm वाले रेजिस्टेंस में 5 seconds में, रेजिस्टेंस दिया है और क्या दिया है आपके पास, 5 seconds का टाइम दिया है। अब आपको क्या निकालनी है, हीट निकालनी है। हीट कैसे निकलेगी, आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला लगा दो, करंट एक है, रेजिस्टेंस कितना है 4 और टाइम कितना है 5 seconds। इसमें वी स्क्वायर अपॉन आर टी क्यों नहीं लगा सकते, बताओ वी स्क्वायर अपॉन आर टी क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो ये वोल्टेज है ये दोनों में डिवाइड हो जाएगी, दोनों को 6 volt नहीं दिखेगी, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है इसमें, तो हमने करंट कांस्टेंट है इसीलिए हमने आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला लगाया और मेरे पास हीट कितनी आई 20 joule। क्या है इसका आंसर, सी, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी को ये पूरा चैप्टर इन 1 shot समझ में आया होगा, और आपके पास जो भी डाउट होंगे वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो एंड करते हैं हम अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में विद न्यू मैराथन या फिर न्यू क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।